अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 9 क्लास मैथ्स जो कि साइंस का है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो चार मैट्रिसेस जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी एंड डी। उसके नीचे हमारे पास टोटल 9 प्रॉब्लम्स हैं, 9 क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो कि आपने सॉल्व करने हैं। अब इसमें आपको मैं पहले जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन के पहले 4 जो पार्ट्स हैं वो सेम है बिल्कुल, तो उसमें मैं कोई से 2 आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो बाकी जो उनसे क्वेश्चन है बीच में वो आपको खुद बहुत ही उसकी समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्लस 1 1 1 1। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो कि आपस में प्लस हो रही हैं, उनको प्लस करने का कहा गया है, यानी कि ए को प्लस करने का कहा गया है 1 1 1 एंड 1 से। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर अगर नजर दुराई जाए तो उसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स नंबर ए बी सी एंड डी, तो इसमें ए भी हमें गिवन है। इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, -1 2 2 एंड 1, और दरमियान में साइन आपको क्या नजर आ रही है, प्लस की, और राइट साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया वो है 1 1 1 एंड 1। अब इन दोनों को आपने आपस में आपने सिंपली प्लस करना है, जो कि आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आ चुका होगा कि प्लस करने के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है और क्या इसमें हमारी शरायत होनी चाहिए जिसमें 2 मैट्रिसेस को आप प्लस आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 2 जो मैट्रिक्स हैं जो आपस में प्लस होने जा रहे हैं, इनका ऑर्डर आपस में सेम है, यानी कि ये उस कंडीशन में मौजूद हैं कि इनको आप कंफर्टेबली एडिशन इनका कर सकते हैं। तो आप अगर इनको प्लस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस होगा 1 से, सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से, -1 प्लस हो जाएगा 1 से, 2 प्लस हो जाएगा 1 से, इसी तरह इधर से भी 2 प्लस हो जाएगा 1 से, और 1 प्लस हो जाएगा 1 से। -1 + 1 से कैंसिल आउट हो गया, चूंकि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की वैल्यूज़ हैं और दोनों है भी एक जैसी हैं, तो जब ऐसी कंडीशन है तो वो कट डाउन हो जाती हैं, जब उन दोनों की कटिंग होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3, 2 + 1 3, 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास, 2। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है b + -2 एंड 3। अब इसमें आपने उसी तरह ही नेक्स्ट आपने जब इसको सॉल्व करना है तो बी की जगह बी का मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन के ऊपर आपको ही दिया गया है उसकी जगह उसका मैट्रिक्स लिखना है, प्लस आपने ये वाला मैट्रिक्स नीचे लिखना है, इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। आप नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैट्रिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि हमें दिया है उसने c + -2 1 एंड 3। अब इन दोनों को भी अगर हम प्लस करना चाहें तो इजीली प्लस कर सकते हैं, एक तरफ हमें c की वैल्यू दी है, एक तरफ c दिया और दूसरी तरफ एक हमें मैट्रिक्स दे दिया और उन दोनों को आपस में प्लस करने के लिए कह रहा है। तो अगर आप देखें तो c का मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन के ऊपर दिया गया है, मैं इसको सॉल्व करूंगा आपकी आसानी के लिए। तो ये जो बीच वाला आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो c दिया है, c की जगह c का मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगा वो आप लिखें 1 -1 एंड 2, सी की जगह सी का मैट्रिक्स, दरमियान में साइन कौन सी आ रही है, प्लस की, और आगे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो वैसे ही एज इट इज नीचे लिख लें -2 1 एंड 3। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो सबसे पहली बात यह कि ये आपने देख लेना है आया कि हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स आपस में प्लस होने जा रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 रो है, 3 कॉलम है, 1/3 ऑर्डर बनेगा इसका। इसको भी अगर देखें तो 1 रो है, 3 ही इसमें कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 1/3 बनेगा, तो ये आसानी से प्लस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो इसका वेरी फर्स्ट एलिमेंट है वो अगले मैट्रिक्स के वेरी फर्स्ट एलिमेंट से प्लस होगा, 1, दरमियान में साइन क्या है, प्लस, और आगे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस में। आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स की जो भी एलिमेंट अगर माइनस में आता है तो उसकी साइन को मेंशन करना है, प्लस होगा तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दरमियान में भी प्लस है तो वो एज इट इज प्लस 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 ही होता है। लेकिन जब आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट आपको माइनस में नजर आता है तो आपने उसको जब फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ प्लस करना है लेकिन उसकी जो साइन है वो भी साथ मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट है -1 जो कि प्लस होगा इसके सेकंड एलिमेंट 1 से, इसी तरह इधर से थर्ड एलिमेंट है 2 जो कि इधर से थर्ड एलिमेंट से प्लस होगा जो कि 3 आपको नजर आ रहा है।
इसको आपस में प्लस करेंगे वन। अब ये जो प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ये दो साइंस आपस में जब भी माइनस मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास जो नतीजा निकलता है, जो फाइनली हमारे पास उन दोनों का प्रोडक्ट आता है, वो माइनस ही आता है। यानी कि आप प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस और साथ क्या आ गया आगे टू। माइनस वन प्लस वन से कट गया, जो कि पीछे आप मेंशन इस क्वेश्चन में कर चुका हूं मैं। थ्री में टू प्लस किया, क्या आ गया हमारे पास फाइव। इसी तरह इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो माइनस टू में से वन माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, माइनस वन, जीरो एंड फाइव। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके पास आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, वो भी आपने खुद अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करना है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री की समझ आ गई है, या इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसमें बड़ा ब्रीफली आपको किसी भी दो मैट्रिसेस को एडिशन करने के लिए जो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, तो अगर वो चीज़ समझ आ गई है, तो जो बीच में मैंने क्वेश्चन जो दो आपके लिए छोड़े हैं, जो कि आपका होमवर्क होगा, आपने घर बैठ के नोटबुक में उसको अच्छे तरीके से करके देखना है, तो वो आपके लिए इंशाल्लाह करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि उसने दिया टू ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स, माइनस वन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, माइनस टू एंड सी। क्वेश्चन नंबर एट, थ्री डी। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर नाइन, थ्री सी। अब इसमें हमारे पास फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको करने का जो तरीकेकार है वो बिल्कुल सेम है। इसमें आपको किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो तरीकेकार जरा डिस्कस किया गया है। यानी कि एक सिंगल नंबर होगा, उसके साथ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे होना है वो हम तरीकेकार अब देखते हैं। इसमें जो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू ए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a आगे इक्वल की साइन लगानी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 और a आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो वैल्यूज आपस में, जब उनको आपस में आप लिखते हो, उनके दरमियान में कोई साइन ना मेंशन हो, इट मींस कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 और a के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मींस कि ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 एंड a, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या मेंशन किया गया, 2 और उसके बाद है a। a की जगह आप a का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन दिया गया आपको, माइनस वन टू टू एंड वन। अब ये जो आपको 2 नजर आ रहा है, ये बेसिकली इस A के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ सेपरेटली अलग-अलग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्टेप का इजाफा करोगे तो उसमें जो गलती है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, आपकी गलती नहीं होगी और आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वो स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है कि हर नंबर के साथ, हर एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के, उसको मल्टीप्लाई करने का एक स्टेप अजाफी कर लेना है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो 2 मल्टीप्लाई माइनस वन, 2 पहले मल्टीप्लाई हुआ इसके फर्स्ट एलिमेंट जो कि माइनस वन है, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की साइंस को देखें, 2 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं तो क्या होगी, प्लस की साइन, प्लस माइनस माइनस, 2 वन जार 2, इसी तरह 2 टू जार 4, 2 टू जार 4 एंड 2 वन जार 2। यानी सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पिछले आप क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म की आपको उनमें करने में कोई दिक्कत महसूस हुई होगी या कोई कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे आपको मेथड्स, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन। हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव रियल नंबर्स एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों में से मैं कोई सा एक कर लूंगा, तो उसमें मोस्ट लाइकली मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स करता हूं। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं करूंगा और क्वेश्चन नंबर सेवन आपने घर में अपनी नोटबुक पे खुद करके देखना है, और आपने उसका आंसर्स जो उसे आहर में दिए जाते हैं, लास्ट में दिए होते हैं बुक पे, उसके साथ टैली कर लेना है, क्या कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। तो हमारे पास ये है माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी। अब सबसे पहले हमारे पास उसी तरह ही माइनस वन आ रहा है लेफ्ट पे,
वैसे लेफ्ट में माइनस वन लिखते नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए उसको आप मेंशन कर रहे हो, लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसको लिखोगे, उसमें कोई गलती आपकी कंसिडर नहीं होगी। माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे आ रहा है बी, बी का मैट्रिक्स आपको दिया गया वो है वन माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है, इसी तरह जैसे कि पिछले भी क्वेश्चन में जो आपको रियल नंबर दिया गया था गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया था, इसी तरह इधर भी वैसे ही होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इसके पहले एलिमेंट से जो कि आपके पास है वन, और इसी तरह माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इसके सेकेंड एलिमेंट से जो कि आपके पास माइनस वन। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस, वन वन जा वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस जब हो जाता है तो उसके साइन को मेंशन अप नहीं करते, तो वन वन आर वन। लेफ्ट पे अगर आप इन केस प्लस लिख लेते हो तो वो गलत कंसिडर नहीं होगा, लेकिन अच्छा यही लगता है कि आप मैट्रिसेस के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक प्लस साइन को मेंशन नहीं किया जाता, यानी कि जो रियल नंबर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सेट किए जाते हैं वो या तो विदाउट साइन होते हैं या तो माइनस साइन के साथ होते हैं, तो जो विदाउट साइन है वो अंडरस्टूड बात है, वो प्लस के हैं, ठीक है। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस मेंशन ना ही करें आप, तो इसको आप जो आंसर आएगा वो एज इट इज विदाउट साइन लिख दें। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपने खुद इसको परफॉर्म करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से मैं कोई एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपने घर में अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो मैं 9 वाला कर लेता हूं, 3C, 3C इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसमें 3 और आगे आ रहा है C का जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है वो क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास दिया है वो है 1 - 1 और 2। अब ये जो 3 है, 3 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 3 माइनस 1 आर माइनस 3, जैसे कि प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 आर 6। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, जो कि आपने घर में नोटबुक में खुद परफॉर्म करना है, खुद इसको करके देखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए जो मैट्रिक्स हैं, आपको एक से ज़्यादा मैट्रिक्सेस यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उनको आपस में प्लस करना है या आपने उनको आपस में सबट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो उनको आपने जस्ट सब प्लस या माइनस करके सिंपली एक सिंगल मैट्रिक्स में लेके आके सिंप्लीफाई करना है उनको आपने, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 वो दिया हमें 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 विद इन अ ब्रैकेट प्लस 1 1 1 0। अब इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इधर जो मैट्रिसेस दिए हैं वो 2 से ज्यादा यानी 3 मैट्रिक्स दिए हैं। इससे पहले आपने जब भी किसी मैट्रिक्स को आपस में प्लस किया है उनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद थी 2, यानी 2 मैट्रिसेस को आपने प्लस करना अभी आपने डिस्कस किया या सीखा है पीछे। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आया है, इसमें हमारे पास 2 से ज्यादा मैट्रिक्स भी आ चुके हैं, यानी कि 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को जब आप आपस में प्लस या माइनस करेंगे तो उसकी सबसे पहली जो उसको उसने क्वेश्चन में लिखने में जो सबसे पहली कंडीशन उसने जो दी होगी उनमें से कोई से 2 मैट्रिसेस को उसने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया होगा। तो वो इस चीज की निशानी है कि जब भी कोई से आपके पास गिवन क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस आ जाएं तो उसमें से सबसे पहले आपने पहले 2 मैट्रिक्स को आपस में करना है, यानी कि 2 मैट्रिक्स कोई से भी होंगे उनको अगर आपस में प्लस करेंगे उनका जो आंसर आएगा वो फिर तीसरा मैट्रिक्स जो बच जाएगा एंड पे उसके साथ प्लस होगा, तो फाइनली हमारे पास उसका गिवन आंसर आ जाएगा। तो कौन से 2 हमने मैट्रिक्स पहले आपस में प्लस करने हैं वो आपको ब्रैकेट्स के अंदर नजर आ रहे होंगे, यानी कि जब भी 3 मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ होंगे उनमें से कोई से 2 मैट्रिक्स को उसने जरूर ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया होगा। तो वो इस चीज की निशानदेही होगी कि आपने जो पहले 2 मैट्रिक्स आपने जो सॉल्व करने हैं वो जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उनको पहले सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं पहले 2 मैट्रिक्स
आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस करने का तरीकेकार भी आपने बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया मेरे से इससे पहले। फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाएगा, फर्स्ट से 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0। इसी तरह जो हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज वैसे का वैसे ही साथ लिख लेंगे, जो कि 1, 1, 1 एंड 0। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यानी 1 में कुछ प्लस नहीं हो रहा, 0 मीन्स नथिंग, तो इसमें आप 1 ही रहेगा। 0 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 0 के साथ जो भी वैल्यू प्लस या माइनस आती है, 0 खत्म हो जाता है, वो वैल्यू एज इट इज वैसी की वैसी नीचे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट उसी तरह ही जो हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स था उसको फिर हम वैसे का वैसे ही नीचे पुट कर लेते हैं। अब फाइनली हमारे पास जो पहले दो मैट्रिक्स जो उसने हमें बैक ब्रैकेट्स के अंदर दिए थे उनको आपने सॉल्व करके फाइनली एक आंसर आप ले आए हो। अब ये जो आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आंसर आया है, उसने इस थर्ड मैट्रिक्स के साथ आप क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, एंड फोर्थ वाला फोर्थ वाले के साथ। फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास, 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एंड 7 में बल्कि 1 नहीं है, 1 में 0 प्लस होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 था वो सॉल्व हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि मैं मैंशन करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, सेम है। उसमें भी हमारे पास 2-3 मैट्रिसेस दिए हैं और उसमें से जो कोई से दो मैट्रिक्स है उनको ब्रैकेट के अंदर दिया उसने। तो वही बात जो पहले मैं आपको मेंशन कर चुका हूं कि जब भी दो से ज्यादा मैट्रिक्स की तादाद हो और वो आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो उनमें से कोई से दो को उसने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया होगा। वो इस चीज की निशानदेही होगी कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करने, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाली वैल्यू जो बच जाएगी उसके साथ उसको आप सॉल्व करोगे। चलें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर माइनस की साइन भी आई है। इससे पहले हम माइनस वाला यानी सब्ट्रैक्शन वाला मैट्रिसेस की वो क्वेश्चन हम नहीं किया हमने, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर रहा हूं जो कि मैं पहले लिखने लगा हूं, वो है 1 0 0 1 प्लस आगे ब्रैकेट है 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 एंड 0, ब्रैकेट क्या आ गई, क्लोज हो गई। अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, तो वही बात कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनको हमने ऐड भी करना है, उनको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन तीनों को इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये भी आप बात सुन लें कि इन तीनों को आप इकट्ठा भी सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी साइंस बीच में दी गई हैं उनके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि गलती के चांसेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोस्ट सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे जो आसान सोल्यूशन है इसको करने का, वो यही है कि आप पहले कोई से दो मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करें तो जो भी उसका आंसर आएगा उसका थर्ड वाले के साथ उसका सोल्यूशन करें आप। तो आपका सबसे पहले वही बात कि कोई से दो मैट्रिक्स जो आपने सॉल्व करने हैं वो आपको ब्रैकेट के अंदर दिए हुए होंगे। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हमारे पास पहली 2 टर्म्स, पहले 2 मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर दिए गए थे और इसमें हमारे पास जो अगले 2 मैट्रिक्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए गए हैं। अब हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास एक मैट्रिक्स पहले भी आ रहा है उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही हम नीचे पुट कर देंगे। इसको वैसे का वैसे नीचे लिखा, आगे साइन कौन सी आ रही है, प्लस की। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है जो आपका एडिशन का है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले से होगा, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, एंड फोर्थ फोर्थ से। तो आप इसको देखें तो 0 जो इधर से फर्स्ट वाले से माइनस होगा, 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, और फाइनली 0 माइनस 0।
जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसे ही नीचे पुट होता जाएगा जब तक हमारे पास नेक्स्ट टू मैट्रिसेस जो आप सॉल्व कर रहे हो उनका आंसर नहीं आ जाता। जब उनका हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा फिर वो जो आंसर होगा वो इस वाले मैट्रिक्स के साथ जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है आप कंटिन्यूसली नीचे पुट करते जा रहे हो एज इट इज वैसे का वैसे उसके साथ सॉल्व होगा वो। ठीक है, 1001 प्लस 0 के साथ मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो जीरो खत्म हो जाता है वो वैल्यू एज इट इज वैसी की वैसी नीचे आ जाती है। 0 माइनस 1 तो -1 वैसे ही नीचे आ गया। 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 1। 3 में से 1 माइनस किया क्या आ गया हमारे पास 2। और 0 0 से कैंसल आउट हो गया तो क्या फाइनली हमारे पास तब भी क्या आ गया 0। अब हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करने के बाद फाइनली आंसर आ चुका है। अब ये जो आंसर आपके पास आया है इसको आपने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ क्या कर देना है ऐड कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस और इसकी साइन क्या है माइनस तो वो मेंशन करनी है आपने, इससे पहले मैं मेंशन ये कर चुका हूं। इसी तरह 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस माइनस 1। 0 में 1 प्लस किया तो 1 ही आ जाता है, 0 में 2 प्लस किया तो 2 ही आ जाता है, इसी तरह 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 1 2 एंड 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 पे जो कि बिल्कुल इन्हीं दो पार्ट से मिलता जुलता है, सिर्फ फर्क ये है कि इसका ऑर्डर जरा डिफरेंट है। यानी कि उसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए थे उनके ऑर्डर्स थे 2 बाय 2, यानी इसका भी 2 बाय 2 इसका भी 2 बाय 2। इन द एंड तमाम मैट्रिसेस 2 बाय 2 ऑर्डर्स पे मुश्तमिल थे, लेकिन हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास जो ऑर्डर दिया गया वो है 1 बाय 3। ठीक है, सिंपली आपने सिर्फ उसी रूल को जेन में रखना है कि जो एलिमेंट फर्स्ट होगा वो ऐड होगा फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, और जब भी किसी भी मैट्रिसेस को गिवन मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनका ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से आपके लिए इतने मुश्किल का बायस नहीं बनेगा, आपके लिए इतनी मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ जो कि आपने घर में अपने नोटबुक में खुद परफॉर्म करना है और खुद उसको करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 4 है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2। दो मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, 2 3 1 2 3 1 2 3। सिंपली आपने इनको आपस में प्लस करना है, तो प्लस करने का तरीक़ेकार वही है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा जारी, और इनको प्लस करना भी एक दूसरे के साथ पॉसिबल है क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3 बाय 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 बाय 3 है। 3 बाय 3 कैसे है, 3 रोज़ हैं और 3 ही हमारे पास इसके कॉलम्स हैं। सेम सिचुएशन आपकी मैट्रिक्स नंबर सेकंड में भी है। तो आपने जब इनको आपस में ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, इसी तरह सो ऑन आगे चलता जाएगा एंड तक। 1 प्लस हो जाएगा 1 से, 2 प्लस हो जाएगा 1 से, 3 प्लस 1, -1 प्लस हो जाएगा 2 से, -1 2 -1 प्लस 2, 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3। अब इनको आपस में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, 2 में से 1 माइनस किया 1 2 में से 1 1 2 में से 1 1 आ गया, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, एंड 3 में 2 प्लस किया हमारे पास क्या आ गया 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 था। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल एज इट इज जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन किया है उसी तरह सेम क्वेश्चन है। दो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिए हैं, उनके दरमियान प्लस साइन है यानी कि वो आपस में ऐड हो रहे हैं, और उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी 3 बाय
3 है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जब 6 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल सेम जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 पे, यानी कि ये भी आपके लिए काम है, यानी ये भी आपने खुद परफॉर्म करना है, खुद ही नोटबुक पे इसको करके देखना है और फाइनली आंसर को लास्ट पे जो आंसर्स दिए गए थे हैं उनके साथ टैली कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हुआ जाता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।